क्यूरी. सो टुडे आई विल बी ऑनेस्टली रिव्यूइंग रोल ऑन वैक्सिंग, क्योंकि ये मैं पहली बार ट्राई कर रही थी. तो इस बार जब मुझे हेयर ग्रोथ हुआ तो मुझे टीवी पे ये एड दिख रहा था रोल ऑन वैक्सिंग का, काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था. तो मैंने अर्बन कंपनी से ये बुक कर दिया. ये कुछ ऐसा बॉटल की शेप में होता है, इसे पहले प्लग इन करना पड़ता है और इसके अंदर डलता है ये वैक्स, चाहे वो रीका वैक्स हो, हनी वैक्स हो, जो भी आप चूज करते हैं. एंड फिर ये स्टिकर निकाला जाता है विच इंश्योर्स कि ये एक बंदे पे. कमिंग टू द पॉइंट हाउ इट वर्क्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा इवनली वैक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, बट पेन आप लोग को उतना ही होगा जैसे आपको नॉर्मल वैक्सिंग के टाइम में होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था. ये फुल लेग, फुल आर्म्स और अंडर आर्म्स का पैकेज था 850 रुपीज़ का, जो कि यूजुअल वाले से 200-300 रुपये महंगा है. नाउ कमिंग टू द फाइनल रिव्यू, तो इस लेंथ के बाल आ रहे में ना यूजुअली वैक्सिंग के बाद मुझे 3.5 to 4 वीक्स लगते थे, बट रोल ऑन वैक्सिंग यूज करने के बाद में आई गॉट दिस लेंथ इन जस्ट 2-2.5 वीक्स. सो ऑल ओवर आई एम गोइंग टू रेट दिस एक्सपीरियंस 6.5/10.